नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज की शुरुआत एक सुंदर से प्रसंग के साथ जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। एक बार वो काशी की गलियों में चल रहे थे, जेब में कुछ किताबें थी। बंदरों ने सोचा कि शायद बादाम होगा, खाने की कुछ चीज़ें होंगी, पीछे पड़ गए। स्वामी जी आगे आगे, बंदर पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि बंदर मेरे पीछे आ रहे हैं, उन्होंने तेज़ी से चलना शुरू किया, भागना शुरू किया। बंदरों ने भी चलना भागना शुरू किया। एक गृहस्थ जो अपने घर की छत से देख रहा था, उसने चिल्ला कर कहा, स्वामी जी भागे मत, सामना कीजिए। स्वामी जी की जैसे एक चेतना जागृत हुई, उन्होंने भागना छोड़ा, मुड़ के योद्धा की तरह खड़े हो गए और देखते ही देखते सारे बंदर 9-2-11 हो गए। कहने का भाव, जब बातें परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो भागे नहीं, लेकिन यदि भाग लें तो सचमुच समस्याएं सुलझ सी जाती हैं। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। हर प्रॉब्लम के दो सल्यूशन होते हैं, एक है भाग लो यानी रन अवे, और दूसरा है भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो। हमारे जीवन के अंदर समस्याएं तो आती ही रहती हैं, और समस्याओं का सामना न करना, उससे किनारा कर लेना भागना और हारना है। लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम पार्टिसिपेट करें, यानी कि समझौता भी करें, और साथ ही साथ हम ये देखें कि मेरे जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन भी भीतर ही है। हम दूसरों को दोष ना दें तो हमारे जीवन के अंदर ये निर्णय लेने की बहुत बड़ी शक्ति है, और ईश्वर हमें वो शक्ति देते हैं, और उनके मार्गदर्शन में जीवन के अंदर भागना जो है वो सही नहीं है, लेकिन भाग लेना उसका मतलब है कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम अपना समय देकर भी उसका सही रूप से निर्णय प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आज से हम प्रॉब्लम से भागे नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने से हमारे भीतर की शक्तियाँ और सामना करने की शक्ति विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में बढ़ती चली जाएगी। ओम शांति। मित्रों, समस्याएं चाहे छोटी हों या बड़ी हों, पारिवारिक हों या सामाजिक हों, शरीर के स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत विकराल रूप में आने से पहले अपने आने का एक अंदेशा या फिर आहट ज़रूर दे देती हैं। यदि उस आहट को हम पहचान लेते हैं तो सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, और एक बड़ी सी जो परिस्थिति हमारे सामने आ सकती है उससे हम बच सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में, आज हमारे हृदय की बात। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल हम हार्ट के बारे में आपसे रोज बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हमारा हार्ट हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और हम कैसे पता लगाएं कि हमारा हार्ट अब बीमार हो रहा है? दोस्तों, कुछ निशानियां हैं हमारे हार्ट को खराब होने की, उसके मैकेनिज्म्स हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारा हार्ट 70 बार 1 मिनट में सिकुड़ता है, लगभग 0.85 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय में एक हार्ट की बीट, 70 पर मिनट, तो एक बीट 0.85 सेकेंड्स। उसमें से 0.3 सेकेंड हार्ट काम करता है, 0.55 सेकेंड आराम करता है।
तो अर्थात इतना काम 0.3 सेकंड, उसमें जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं 0.55 सेकंड में साफ हो जाते हैं। तो हमारा हार्ट हर धड़कन के पहले फ्रेश होता है। इसलिए दिन रात बिना रुके पूरा जीवन जब तक हमारा चलता है, इवन गर्भ में ही सिकुड़ना शुरू करता है, माँ के पेट में हार्ट काम करना शुरू करता है, और जब तक हमारा जीवन है हम 6 घंटा 8 घंटा सो जाते हैं तो हार्ट नहीं सोता है। अगर हार्ट 2 मिनट भी सो जाए तो हमारा हम सदा के लिए क्या होगा, जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये जो फंक्शनिंग है हार्ट की, 0.3 सेकंड काम करना, 0.55 सेकंड, यही मेन मैकेनिज्म है कि हार्ट हमारा हेल्दी रहता है। अगर तो होता आजकल क्या है, आज स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसको 21वीं सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। हर आदमी तनाव में है, टेंशन में है, जल्दी में है, चिंता में है, गुस्से में है, भरा हुआ है, अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पा रहा, उदास हो जाता है जल्दी से, सेंसिटिव इमोशनल हो जाता है अपनी, और बहुत सारी समस्याएं, दूसरों के लिए अवगुण अवगुण दर्शन और बदलने की भावना से भरा रहता है। तो दोस्तों ये जो हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ होती हैं, इससे हमारे हार्ट की रेट बढ़ जाती है। नॉर्मली जो 70 रहती है हार्ट की धड़कन, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 तक भी हो सकती है। तो दोस्तों जब हार्ट की धड़कन बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे हार्ट को काम तो 0.3 सेकंड ही करना पड़ता है, कि तो आराम करने का पीरियड 0.55 की बजाय 0.4, 0.3, इवन 0.2 भी हो सकता है। तो हार्ट प्रॉपर आराम नहीं करेगा, तो टॉक्सिन्स जो हैं जो साफ़ होने चाहिए वो साफ ही नहीं हो पाते हैं दोस्तों, और जिसकी वजह से हमारा हार्ट हर धड़कन से पहले थका हुआ होता है। तो दोस्तों जो हार्ट की मुख्य बीमारी, चाहे वो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं या कार्डियोमायोपैथी होती हैं, ये डिफरेंट तरह की बीमारियाँ होती हैं दोस्तों, ये मुख्य कारण। उसके ऊपर से जब हमारा मूड गलत होता है, हम खान पान भी गलत खाते हैं, मूड डिसाइड्स ओवर फूड, और जब मूड ख़राब रहता है हमारा वॉकिंग करने को दिल नहीं करता, रात को नींद अच्छी नहीं आती है दोस्तों। तो यही मैकेनिज़्म है हमें हार्ट की बीमारियाँ शुरू होती हैं। दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे, मतलब बल्कि 35 साल की उम्र में आजकल तो चेकअप करा लो, एक हार्ट का चेकअप, ये जनरल चेकअप, जनरल हेल्थ चेकअप, उसमें ECG, अपना इकोकार्डियोग्राफी भी अगर आवश्यक है, स्ट्रेस टेस्ट की आवश्यकता है, स्ट्रेस टेस्ट TMT जिसे कहते हैं वो करा लें, और अपने आप को पता करें, अगर कुछ TMT पॉजिटिव आती है तो अपने एंजियोग्राफी भी करा लें, और प्रॉपर समय पर उसका इलाज कराएं। ओम शांति। कई बार हम बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में घटित हुई हैं, कुछ पुरानी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हमें पसंद नहीं रही हैं, उन्हें भी हम संजो कर रखते हैं। कई बार वो भी हमारे हृदय को तकलीफ पहुंचाते हैं। हल्का कर दें अपने आप को और वर्तमान का आनंद लें, यही तो सब रंग आपको सिखाता है, और हमें यही जीवन जीने की कला सीखनी है। और ऐसी कुछ सुंदर सी बातें, अपने अनुभव युक्त बातें विशिष्ट जन हमारे बीच लेकर आते हैं, कि कैसे जीवन में हम शिखर की ओर बढ़ते हुए, कैसे जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आध्यात्म के आधार पर उसका सहारा लेकर जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। आज अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं शैलेंद्र भारती जी, आइए मिलते हैं। मैं कोशिश सबसे पहले ये करता हूँ कि अपने चेहरे के ऊपर मुस्कान बनी रहे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जितनी भी मिलती हैं और जितने भी भाई मिलते हैं, सबसे पहले वो मुस्कान के साथ मिलते हैं, और दूसरी बात, जो भी काम, जो भी सेवा करते हैं उसमें कभी भी ना नहीं कहते जी। हर चीज के लिए वो हाँ करते रहते हैं और बिल्कुल उतारू होते हैं कि बस ये काम मैं कर लूं, इनको कहीं ना कहीं से तकलीफ ना हो, किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। यही बात मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ घर पर जा करके, और अपने दोस्तों से, मित्रों को, अपने सहकर्मियों को भी कहता हूँ, मेरे साथ जो कुलीग हैं म्यूजिशियंस भाई बहन हैं, उनको भी मैं बताता हूँ कि भाई वहाँ गया था तो वहाँ मैं ये सीख करके आया। मैं उनको उपदेश नहीं देता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस काबिल हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव से उनको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बता देता हूँ कि भाई मैंने ये सीखा है, अब आगे आपकी मर्जी है। और मुझे मालूम है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कहता जाऊँगा, जितनी बार मुझे ब्रह्मा कुमारी में बुलाया जाएगा उतनी बार मैं वहां जाकर के जब ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो उतने और लोगों का कल्याण होना ही कल्याण होगा, जरूर होगा। परमपिता की कृपा से लगभग 30-35 वर्षों पहले एक भजन दादी प्रकाशमणि जी का, उसमें आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, मेरे पिता श्री आनंद कुमार सिंह साहब का उसका संगीत था जी।
जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ब्रह्मा कुमारी इस अलग अलग वर्ग के लोगों की विशेष सेवाएं कर रहा है और लक्ष्य यही होता है कि हर एक वर्ग अपने आप को सशक्त बनाए, अपने आप को तनाव मुक्त बनाए और अपने आप को इतना दक्ष बना ले कि अपने कार्य को करते हुए भी किसी भी प्रकार के बोझ का अनुभव ना करें, लेकिन अपने कार्यों का संपूर्ण आनंद लें। ब्रह्मा कुमारी इसका एक ऐसा ही विंग सुरक्षा प्रभाग है जो पुलिस कर्मियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए, चाहे आर्मी के हमारे जवान हैं, एयरफोर्स के हैं या अन्य सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे जवान हैं, उन सब की सेवाएं करता है। यही सेवाएं ऑनलाइन की गई झारखंड पुलिस के लिए। आइए देखते हैं किस प्रकार की सुंदर सेवाएं तनाव मुक्त जीवन शैली पर की गई। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर की थीम के तहत ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा विंग ने झारखंड पुलिस कर्मियों के लिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने के माध्यम से तनाव मुक्ति पर 3 दिनों का एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न हिस्सों के लगभग 80 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया था। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा विंग द्वारा आधिकारिक तौर पर झारखंड पुलिस के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला का ये पहला कार्यक्रम है। मुख्य वक्ता के रूप में बीके संजीव भाई, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास और बीके अंजलि दीदी उपस्थित हुए। बीके संजीव ने कहा कि सबसे बड़ी बात जीने का एक तरीका प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास ने कहा कि हम सभी के पास इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, जो रोज इतने सारे तमाम सिविलियंस से हम अपने साथियों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी दुआएं बहुत कम सकते हैं और सिर्फ उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक चेहरे पे मुस्कान। बीके अंजलि दीदी ने बताया कि या योग क्यों सीखना है, परमात्मा के नजदीकता का अनुभव करने के लिए, फील वेरी नियर टू गॉड। अंत में झारखंड पुलिस के कई जवानों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कार्यक्रम की सराहना की। संसार में कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बस हम धैर्यता पूर्वक अपना प्रयास जारी रखें। कई बार हमें एक अच्छे समय का भी इंतजार करना होता है, धीरज रखना होता है और अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करना होता है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा अपने भी अनुभव से और ब्रह्मा कुमारी इसके लाखों भाई बहनों के अनुभव से कि आप मेडिटेशन की शुरुआत जरूर करें। जब शांत मन से हम ईश्वर के साथ बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देती है, हर समस्या का समाधान दिखाई देता है। जरूर इस पर कार्य कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं कि आपका जीवन समस्याओं से मुक्त, समाधान युक्त हो। नमस्कार, ओम शांति।